स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अनदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और यूज़ हम देखेंगे वो किस में होता है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में. माइक्रोब सच इज फंगाई एंड बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड एंड वेस्ट मटीरियल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. अब जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया फंगाई ये चीज़ें हैं, ये क्या करती है, डेड एनिमल्स प्लांट्स इनको क्या करती है, डीके कर देती है, ख़त्म कर देती है. दस दे हेल्प अस इन क्लीनिंग इन्वायरमेंट. इसीलिए हम किस चीज़ में हेल्प करती है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में. सम बैक्टीरिया डीकम्पोज सीवेज एंड अदर वेस्ट एंड थस हेल्प कीपिंग द एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सीवेज, जो कचरा वगैरह होते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या रहता है, पॉल्यूशन फ्री बन जाता है. मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी इन ओशियंस. अब ओशियंस में हमें पता है कि एल्गी कहाँ पाई जाती है, एल्गी पानी में पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है. तो ओशियन में ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ एल्गी. एल्गी अपनी एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन बनाती है. जैसे आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं. ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके और ऑक्सीजन एक्सहेल कर देते हैं. वैसे ही यहाँ पे एल्गी भी प्लांट की तरह वर्क करती है ओशन में और ऑक्सीजन वाटर को प्रोवाइड करती है, बनाती है. नाउ बैक्टीरिया के, सॉरी माइक्रोब्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट हार्मफुल माइक्रोब्स. सो माइक्रोब्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं. डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. और जो माइक्रोब्स डिसीज़, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारियाँ होती हैं, उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो स्पॉइल फूड, क्लोथ्स एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को भी ख़राब कर देते हैं, खाना हमारा ख़राब कर देते हैं, लेदर क्लोथ्स ये सारी चीज़ें भी ख़राब कर सकते हैं. नाउ कॉजिंग डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स क्या करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में. तो डिसीजेज इन ह्यूमन, जर्म्स एंटर आवर बॉडी थ्रू, जर्म्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एयर के थ्रू अंदर आते हैं. देन कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं उसके, जर्म्स जब हमारी बॉडी में आते हैं, एयर के थ्रू आते हैं, या कि हमने पानी पिया, वाटर के थ्रू आए, या अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ह्यूमन कॉन्टेक्ट, उसकी वजह से भी जर्म्स हमारी बॉडी में अंदर आ सकते हैं. तो दस माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन. और इसी तरह से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिसीज़ क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, बीमारियाँ ट्रांसफ़र होने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीमार है और वो छींक रहा है, तो उसकी जो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो जर्म्स थे, वो उस एयर में चले गए. देन अगर उसी जगह से एयर कोई ब्रीथ कर रहा है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन उसे भी हो सकता है. आपने देखा होगा कि मान लो कि अगर आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट डे ऐसा होता है कभी कि दूसरे को भी हो जाता है. ऐसा किस लिए होता है, बिकॉज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम अ इल पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. जो बीमार है, इन्फेक्टेड है, उससे हेल्दी पर्सन को बीमारियां लग सकती है. और जब ऐसा होता है, जब बीमारियां इल पर्सन से हेल्दी पर्सन को लगती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि ट्रांसफर हो जाती है थ्रू वाटर, एयर और फिजिकल कॉन्टेक्ट. इन टेबल 2.1 देर आर सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो लेट्स फर्स्ट सी दिस टेबल. कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है. और कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है, एयर के थ्रू. मीजल्स भी वायरस की वजह से होता है, ये भी एयर के थ्रू फैलता है. चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से होता है. चिकन पॉक्स एयर
और किसी के कांटेक्ट में आना दोनों की वजह से हो सकता है। टाइफॉइड टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है और टाइफॉइड किससे फैलता है, फूड और वाटर से फैलता है। कॉलेरा भी बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये वाटर से फैलता है, ठीक है, जब पानी गंदा होता है उसकी वजह से कॉलेरा होता है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से होता है और ये कैसे होता है, एयर के थ्रू होता है। डायरिया डायरिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है और किसके थ्रू एंटर होता है बॉडी में, वाटर के थ्रू। मलेरिया मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और मलेरिया किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से। अमोबिक डायसेंट्री फूड एंड वाटर की वजह से होती है और इसके माइक्रोब ये किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से। नाउ सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स आल्सो एक्ट एज ए कैरियर, तो कुछ इंसेक्ट और एनिमल कैसे एक्ट करते हैं, एज अ कैरियर एक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी को बाइट करता है तो वो क्या करता है, मलेरिया का जर्म कैरी करता है, उसके अंदर मलेरिया के जर्म को इंजेक्ट कर देता है, डाल देता है। एंड अनदर वन एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ये जो फ्लाई है इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल, ये भी डर्ट्स पे बैठती है, जैसे कोई भी गंदा गार्बेज है गंदी चीज़ों पे बैठती है और जर्म्स को फैलाती है। सो ये कैसे फैलाती है, ये किसी गंदी चीज़ों पे बैठ गई और वही मॉस्किटो यही फ्लाई अगर हमारे फूड पे या वाटर पे हमारी कोई सी नीट जगह पे आ गई, देन उसने क्या किया, यहाँ के जो जर्म्स थे उसी नीट प्लेस पे उसे ट्रांसमिट कर दिए, फैला दिए। सो वी शुड अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड, तो हमें जो खाना नहीं ढका हुआ है, ठीक है, जो खाना खुला पड़ा है उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस पर मक्खी बैठी होगी या उस पर जर्म्स हो सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, ऐसे ही हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए। नाउ डिसीजेज इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी डिसीजेज हो सकती है, जैसे कि ह्यूमंस में भी डिसीजेज हो सकती है तो प्लांट्स में भी डिसीजेज हो सकती है। सब माइक्रोब्स कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स सच इज व्हीट बार्ली राइस पोटैटो एंड शुगर केन, तो व्हीट राइस बार्ली पोटैटो शुगर केन इन पे डिसीजेज होती है, इनको भी बीमारियाँ होती है प्लांट्स को। दिस डिसीजेज कॉज रिड्यूसिंग ऑफ यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, कम होने लगती है क्रॉप्स की जो यील्ड होती है, फसल कम होने लगती है। सर्टेन केमिकल्स आर यूज टू किल माइक्रोब्स फॉर कंट्रोलिंग द डिसीजेज, आपने सुना होगा फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो किसान होते हैं वो खेत में इसीलिए डालते हैं कि वहाँ पे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से प्लांट्स को डिसीजेज हो रही है उसे कंट्रोल कर सके। नाउ डिसीजेज इन एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस को डिसीज हो सकती है वैसे एनिमल्स को भी डिसीजेस बीमारियाँ हो सकती है। नाउ माइक्रोब्स ऑल्सो कॉजेज डिसीजेज इन एनिमल्स, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस कैटल डिसीज, एंथ्रेक्स जो है वो बहुत डेंजरस कैटल डिसीज है, उसमें क्या होता है स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब जहाँ से भी एंथ्रेक्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो एंटर होगा, ठीक है, एंथ्रेक्स कॉजिंग माइक्रोब जहाँ से भी एंटर होगा वहाँ पे वो इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो माउथ से एंटर हुआ है तो वो जाके लंग्स पे इफेक्ट करेगा और बॉडी में स्टमक में उसके इफेक्ट कर सकता है। अगर स्किन से एंटर हुआ है तो उसकी स्किन पे स्पॉट्स आ जाएंगे और स्किन ख़राब होने लगेगी। तो एंथ्रेक्स इज़ वेरी डेंजरस इन एनिमल्स। नाउ देयर आर सम प्लांट एंड एनिमल डिसीज गिवन हियर। सी साइट्रस कैंकर ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। रस्ट ऑफ फीट वीट का सड़ना ये फंगाई की वजह से होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन में रेड रॉट आ जाता है ना, धब्बे आ जाते हैं, ये भी फंगाई की वजह से होता है। येल्लो वीन मोसाइक डिसीज इन ओकरा, भिंडी में भी ये चीज़ पाई जाती है, भिंडी भी ख़राब होने लगती है, किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से होती है। टोबैको मोसाइक डिसीज ये भी वायरस की वजह से होती है। नाउ एनिमल फूट एंड माउथ डिसीज इन कैटल, फूट और माउथ में जो डिसीजेज होती है कैटल्स में ये वायरस की वजह से होती है।
एंथ्रेक्स, जैसा कि एंथ्रेक्स के बारे में हमने पढ़ा, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। बॉटलिज्म, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, रेबीज हो जाती है। देन ब्रोसेलस इन कैटल, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। रेबीज़ आपको पता है कि रेबीज का इंजेक्शन लगता है, तो रेबीज़ किसकी वजह से फैलती है, एनिमल की वजह से। जब ऐसा होता है ना, जो बीमार डॉग है अगर उसने बाइट कर लिया, डॉग के बाइट करने की वजह से ह्यूमंस को भी ये चीज़ हो सकती है। नाउ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग कॉमन प्लांट डिजीज, तो कॉमन प्लांट डिजीज प्लांट में होने वाली प्रॉब्लम्स, तो देखिए अब प्लांट भी ऐसे सड़ जाते हैं, तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें फर्टिलाइजर्स डाल के या दूसरे केमिकल्स डाल के कंट्रोल किया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है। नाउ रॉबर्ट कॉच इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टेरियोलॉजी, जो कि बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते थे। ही इज़ फेमस फॉर हिज रोल इन आइडेंटिफाइंग कैजुएटिंग माइक्रोब्स फॉर द डिसीज सच एज टीबी, क्लोरा एंड एंथ्रेक्स। ही क्रिएटेड एंड इम्प्रूव लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। रिसर्च लेड टू द क्रिएशन ऑफ कॉच पोस्टुलेट्स। नाउ ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया था। कौन से माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया, जो कि बीमारियां फैला रहे हैं, डिसीज फैला रहे हैं। एंड देन ही क्रिएटेड एन, उन्होंने एक इम्प्रूव्ड लेबोरेटरी क्रिएट की, ठीक है, जो जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, और उनकी रिसर्च से क्या मिला, कॉच पोस्टुलेट्स। तो कॉच पोस्टुलेट में ये बात कही गई है कि बैक्टीरिया सारी जो डिसीजेस का कॉज होता है, तो उनमें बैक्टीरिया तो होता ही है, और बैक्टीरिया को होस्ट से अलग रखने से होस्ट विद द डिसीज एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर, तो भी बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है। देन द स्पेसिफिक डिसीज मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन ए प्योर कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया इज इनोक्यूलेटेड इनटू अ हेल्दी सस्पिटेबल होस्ट। अगर एक हेल्दी पर्सन में जो बैक्टीरिया है वो एंटर करेगा, तो वहाँ पे डिसीज ग्रो होगी। द बैक्टीरिया मस्ट बी रिकवरेबल फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट। अगर एक्सपेरिमेंटली किसी को इन्फेक्ट किया गया है, तो उसका बैक्टीरिया क्या है, रिकवरेबल है, वो ठीक हो सकता है। तो ये कॉच ने हमें बताया था। नाउ पॉइजनिंग ऑफ फूड, फूड का पॉइजन होना, ख़राब होना। फूड पॉइजनिंग ऑकर्स बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। आपको पता है, हम बहुत सारी बार न्यूज़ में सुनते हैं कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई या बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है, जब कोई ख़राब खाना खा लेता है उसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो फूड के खराब होने में सबसे ज़्यादा किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ होता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई। दीज माइक्रोब्स ग्रो ऑन द फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये हमारे खाने पे ग्रो होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। दस कंज्यूमिंग दिस फूड मेक अस इल, और अगर हमने इस सड़े हुए खाने को खा लिया, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। फूड सच एज फ्रूट जेलीज जैम्स एंड पिकल्स आर स्पॉइल्ड बाय द ईट्स एंड माउल्ड्स। तो जेलीज, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से स्पॉइल होती है, ख़राब होती है, यीस्ट और माउल्ड्स की वजह से। सॉरिंग ऑफ मिल्क, जब दूध खट्टा हो जाता है। रॉटिंग ऑफ पोटैटो रॉट सड़ जाते हैं। वेजिटेबल्स एंड कंटामिनेशन ऑफ मीट फिश आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें, पोटैटो, वेजिटेबल्स, कंटामिनेशन ऑफ मीट एंड फिश आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये एक्शन किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व अवर फूड। इसीलिए हमें अपने फूड को प्रिजर्व, संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम फूड को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, हाउ डू वी प्रिजर्व फूड। अगर मान लो हमारे घर पर रात को खाना बचा हुआ है, तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसे कैसे बचाएंगे। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट फूड प्रिजर्वेशन।
फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड्स टू स्टॉप और स्लो डाउन द फूड स्पॉइलेज। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि उसका जो ख़राब होना है उसको या तो बंद कर देंगे हम, या तो हम उसे इतना प्रिजर्व करेंगे, इतना संभालेंगे कि वो जल्दी ख़राब ना हो, जल्दी ना सड़े। जो खाना एडिबल होगा, जो हम खा सकते हैं, या फूड की जो नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़राब ना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, फूड प्रिजर्वेशन। दस अलाउ लॉन्गर फूड स्टोरेज फॉलोइंग सम कॉमन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब हम मेथड्स देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन की क्या क्या मेथड्स हैं। तो उसमें सबसे पहली मेथड है हमारी हीटिंग एंड पेस्चराइजेशन। नाउ आपको पता होगा कि आपकी मम्मा क्या करती है जब आपके घर पे जो मिल्क वेंडर है वो मिल्क देके जाते हैं, मिल्क मैन मिल्क देके जाते हैं, तो मम्मा क्या करते हैं आपके, सबसे पहले उस दूध को गर्म किया जाता है गैस पे। क्यों गर्म किया जाता है? ताकि वो उसके जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है या उसमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए। वैसे ही पानी के साथ हम करते हैं, अभी तो मोस्टली हम फिल्टर का ही पानी यूज़ करते हैं, बट जिन घरों में फ़िल्टर नहीं है वो क्या करते हैं, पहले पानी को बॉयल करते हैं, ठंडा करते हैं, देन उसका यूज़ करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं कि उनमें जो कीटाणु हों, जो माइक्रोब्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो ख़त्म हो जाए। सो फूड एट हाई टेम्परेचर किल्स माइक्रोब। तो टेम्परेचर हाई होने से, ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सो वी बॉयल मिल्क एंड वाटर टू किल माइक्रोब्स। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट UHT इज डन फॉर पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क को स्टेरिलाइज करने के लिए, साफ करने के लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, वो सबसे पहले उसे गर्म करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे, फिर गर्म करने के बाद उसे ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करके उसे ये जो टेट्रा पैक जो मिल्क है उसमें उसे पैक कर दिया जाता है। सो टेट्रा पैक मिल्क अवेलेबल इन द मार्केट है शेल्फ लाइफ ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर हम उसे संभालेंगे तो वो 6th मंथ तक भी ख़राब नहीं होगा। तो क्यों वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसे क्या दिया गया है, UHT ट्रीटमेंट दिया गया है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। नाउ पेस्चराइज मिल्क कैन बी टेकन विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। अब जो हम घर पे अगर पेस्चराइज मिल्क यूज़ करें तो हमें उसे बॉइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं। ट्रेडिशनली ओरिजिनली मिल्क इज पेस्चराइज्ड इन विच मिल्क इज हीटेड अप टू 70 degrees फॉर अबाउट 30 मिनट एंड देन कूल्ड क्विकली एंड स्टोर्ड। अब पहले क्या होता था कि मिल्क को 70 degrees पे हीट किया जाता था और उसके बाद उसे ठंडा होने दिया जाता था, देन उसे स्टोर कर लिया जाता था। दिस प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पेस्चर। इसे डिस्कवर किसने किया था, इस टेक्निक को, लुइस पेस्चर ने, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम पेस्चराइजेशन रखा गया। हीटिंग एंड कूलिंग टाइम एंड टेम्परेचर वॉज वेराई अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पेस्चराइजेशन प्रोसेस बींग यूज। तो मिल्क की जो पेस्चराइजेशन प्रोसेस है वो जिस प्रकार की होगी उसमें हीटिंग और कूलिंग का टाइम वेराई करेगा, मीन्स अलग अलग होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम और डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशंस के, एंड आफ्टर दैट हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो बी रेडी एंड जस्ट रीड योर बुक, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।